भक्ति मार्ग में सबसे बड़े पतन का कारण है दंभ। कभी भी दंभ मत करो। नहीं मन लग रहा भक्ति में तो मत करो चार दिन, पर दंभ मत करो। नई भावना उत्पन्न हो रही तो मत जाइए दो दिन कथा में, पर दंभ मत करो। दंभ का मतलब यह नहीं होता कि मन नहीं कर रहा कथा, आपका मन नहीं हो रहा कि कथा में नहीं जाना, अभी मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने ये विचार किया कोई बात नहीं, मन नहीं हो रहा फिर भी चलो, ये दंभ नहीं है। दंभ किसको कहते हैं? मन नहीं हो रहा कथा में जाने का, पर ओहो पड़ोसी भी जा रहा है, वो भी जा रहे हैं, ओ मेरे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो लोग वहां जाएंगे और वहां जाकर के जब मुझको नहीं देखेंगे तो उनके मन में आएगा कथा हो रही है, वो नहीं आ रहा, इस भावना से कथा में आना यही दंभ है। इसी भावना से वृंदावन जाना, गिरिराज जी परिक्रमा करना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब इस भावना से कि वो क्या कहेगा, ये दंभ है। हम धोती पहनते हैं, अब धोती पहनने के बाद में अब मन में कभी कोई, कई बार घर में कई बच्चे होते हैं, कई परिवार के दूर के रिश्तेदार नातेदार आते हैं, वो लोग कहते हैं अरे घर का ही तो कार्यक्रम है, अब तो आप पैंट पहन लो, अब तो आप ये पहन। मैंने कहा क्यों, ये दंभ है क्या कि भारी पहन के रखना, घर में नहीं पहनना है? हम तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के जाते हैं, खूब छक्का मारते हैं। एक जगह से हमको इन्विटेशन आया, बोले महाराज जी एक कोई ऐसे लीग होती रहती है ना, तो ऐसी एक लीग हो रही थी, उसमें सारे सेलिब्रिटी वगैरह थे। बोले तो मैंने कहा भैया पहली बात तो हम पे समय नहीं, कथाएं बहुत हैं, दूसरी बात अगर कभी आए भी भविष्य में तो हमारी एक शर्त है, क्या हम धोती में ही खेलेंगे? वो धोती में कैसे चलेगा? मैंने तो फिर मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा बिना धोती के हम पे बैठे ही नहीं उठेगा, बिना धोती के दौड़े ही नहीं पाएंगे। तो दंभ कब हो जाता है? जब आप वैष्णव रूप, वैष्णव भाव, नाम जप, कथा, सेवा, इसके प्रति अपना भाव ना रख के किसी को दिखाने का भाव रखते हो, यही दंभ है। और क्षमा कीजिएगा, आजकल इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है वैष्णवों में। आप अब तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपकी गुरु परंपरा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको प्रतिष्ठा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपका सौभाग्य, आप तिलक इसलिए लगा रहे हो कि उसको दिखाना है, उसको बताना है, ये दंभ है। और आज ही इस बात को जीवन में अपना लीजिए, दंभ युक्त होकर के भक्ति मार्ग में नहीं जाना है। अगर आपके चित्त में दंभ उत्पन्न हो गया तो सारे दोष आएंगे जो भक्ति मार्ग में आते। दंभ कौन है पता है? ये ब्रह्मा जी का नाती है। कौन है? ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पन्न हुई, पीठ से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, पाप, और उन्हीं के पुत्र का नाम है दंभ। तो एक बार सुनो दंभ किसको कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के नाती ने अपने पिताजी से कहा, बोले हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो ध्यान से। तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा जाओ। तो ब्रह्मलोक गया दंभ अपने दादाजी से मिलने, ब्रह्मा जी से मिलने। कैसे गया? बढ़िया त्रिपुंड लगाया, चौड़ी चोटी रखी, गले में खूब सारी मालाएं पहन ली, नीचे धोती पहन ली, खड़ाऊं पहन ली, वेद मंत्र उच्चारण करता हुआ कमंडल हाथ में लेकर के, महाराज माला इतनी तीव्र गति से चल रही है कि एक क्षण में जाने कितनी मालाएं कर ले रहा है। यही तो दंभ है। कई लोगों को हमने देखा है, किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, पर वो गाली गलौज भी चल रही है फिर भी हाथ में माला चली रही है, इसको खींचे ही जा रहे हैं। तो दंभ भी ऐसे ही जा रहा था ब्रह्मा जी से मिलने, नाम जब चल ही रहा है और सामने कोई आ जाए तुरंत दंभ रुक जाए, पहले कमंडल से पानी छिड़के फिर आगे बढ़े। ऐसा करता हुआ दम जब पहुंचा ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी, ओ हो आज तो कोई परम, कोई बहुत बड़ा संत सिद्ध आया हमारे यहाँ, स्वागत करो भैया इनका। स्वागत करके दम्भ को वहां पर लाया गया। ब्रह्मलोक में जाकर के भी दम्भ अपने कमंडल से जल छिड़काव कर रहा था, जहां खड़ा हुआ वहां पर भी महाराज पहले जो है कुशा से उस जगह को झाड़ा, तब जाकर के खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी अपने आसन से ही खड़े हो गए, बोले भगवान आप ब्रह्मलोक में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, विराजमान हो जाइए। कहने लगा, बोले कि यहां मेरे बैठने लायक कोई जगह ही नहीं है, सब अपवित्र है।
इसको दंभ कहते हैं, इतना ऊंचा। ब्रह्मलोक ही अपवित्र है उसके लिए। ब्रह्मा जी बोले तो आप एक काम करो, आप चल के आओ, हमारी गोद में बैठ जाओ। ब्रह्मा की गोद में तो बैठ ही सकते हो। दंभ चल के, हाँ आपकी गोद में बैठ सकता हूं, चल करके पास गया, ब्रह्मा जी की गोद में बैठने लगा। बैठने से बोले, ओहो इस पर भी एकाध बार कोई ना कोई बैठा तो है। कमंडल का जल गोदी में डाल दिया, पूरे गीले कर दिए। ब्रह्मा जी बोले, अब बैठूंगा इस पर। ब्रह्मा जी बोले, भैया कोई बहुत बड़ा साधु आया, कोई बहुत बड़ा सन्यासी, इतना पवित्र। दंभ जाकर के जैसे ही उनकी गोद में बैठा तो ब्रह्मा जी में भी दंभ उत्पन्न होने लगा। तुरंत समझ गए, ओहो ये तो कोई और नहीं है, ये तो हमारा नाती है दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? केवल आडंबर, केवल दिखावा, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। भक्ति में पतन का सबसे पहला कारण, जिससे सारे अपराध बनते हैं भक्तों से, वो सबसे पहला कारण है दंभ। कंठी माला, तिलक, स्वरूप, सेवा, इसको सौभाग्य से कीजिए। कथा सौभाग्य से सुनने जाइए, वृंदावन सौभाग्य और खूब आनंद में जाइए, कभी दंभ में मत जाइएगा। आप एक बार भी दंभ में आसक्त होकर के यदि भक्ति मार्ग में आए तो पतन होगा ही होगा। तो इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा।